एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 मार्च के करंट अफेयर्स। और पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट डे के साथ। तो आज है 23 मार्च और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 23 मार्च को ही तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था वो बना था 1950 में, इसलिए 23 मार्च को ही हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी थीम क्या है? अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन इसकी थीम है। ठीक है, 1961 से हम इस दिन को हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वैसे ही इंडिया का भी अपना एक मौसम विभाग है जो हमें जानकारी देता है अपने वेदर के बारे में, कि साइक्लोन आने वाला है, कि अर्थक्विक में क्या रहा है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि कुछ दिन पहले इसने बताया था कि साइक्लोन असानी का अलर्ट भी जारी किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया था 1875 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में मिल जाएगा। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। क्लियर, तो ये हो गया आज हमारा इम्पॉर्टेंट डे। बाकी हम करंट अफेयर्स को अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमित्रिए 2022 विथ विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इंडियन आर्मी ये एक्सरसाइज करने वाली है? तो आंसर हो जाएगा सेसल्स। ये एक्सरसाइज कहाँ होगी? सेसल्स आइलैंड में होगी। ये 9th edition है। दिस इज़ द 9th edition ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमिटेड 2022, जो कि इंडियन आर्मी और सेसल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में होनी है। 22 मार्च से एक्सरसाइज शुरू हुई है, 31 मार्च तक ये एक्सरसाइज सेसल्स में होनी है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 2x3 गोरखा राइफल्स जो ग्रुप है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो 2001 से हो रही है और ये 9th edition है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है कि कहीं इकोनॉमिक एडवाइज़र में किसी भारत के लोगों का नाम होता है तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट who has been roped in the United Nations as a member of its newly set up advisory board on effective multilateralism। तो यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था। लगभग 12 मेंबर है इस एडवाइजरी बोर्ड में ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे कौन है उनका नाम आपको बताना है, कौन सी इंडियन इकोनॉमिस्ट इस एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं? तो आंसर हो जाएगा जयती घोष। जयती घोष अपॉइंटेड टू एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू ऑफर फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन। तो आपको बताना है किस बैंक के द्वारा फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन लेने के लिए ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। हालांकि HDFC बैंक ने कोई एक सर्विस शुरू नहीं की है, HDFC बैंक के द्वारा दो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट किया जा सके और जो स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। तो पहला है ऑटो फर्स्ट। ऑटो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स के लिए है। ठीक है, दूसरा है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। इट इज़ एन ऐप दैट बंडल ऑल द पेमेंट, जैसे कि आप UPI से पेमेंट करते हो, आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, कार्ड के जरिए करते हो, SMS से करते हो, कार्ड अपने फ़ोन को टैप करके आजकल आने लगा है ना वाईफाई के जरिए, तो टैप से आप पेमेंट करते हो। तो ये सारी चीज़ें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जिसका नाम है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है वो पायलट बेसिस पे HDFC बैंक के द्वारा शुरू किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सरदार बर्दी मुहम्मदू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इन्हें किस कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा तुर्किमिस्तान का। ठीक है, तुर्किमिस्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने अपने ही फादर, क्योंकि इनके फादर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2006 से 2022 तक, और अपने फादर की ही जगह इन्होंने ली है। अच्छा, भारत में अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो इंडिया में इनडायरेक्ट तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और हर 5 साल में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, लेकिन तुर्किमिस्तान में हर 7 ईयर्स में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज के बारे में. तो टेलर फ्रिट्स बीट विच प्लेयर टू विन मेन सिंगल टाइटल एट द VNP परिभास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसको इंडियन वेल्स मास्टर के नाम से भी जाना जाता है. तो अभी रिसेंटली VNP परिभास ओपन टेनिस टूर्नामेंट खत्म हुए हैं, जिनको इंडियन वेल्स मास्टर के नाम से भी जाना जाता है. इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं टेलर फ्रिट्स. टेलर फ्रिट्स के बारे में क्या बात करनी है कि ये अमेरिका के एक टेनिस प्लेयर हैं, फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू विन इंडियन वेल्स सिंगल्स टाइटल सिंस 2001. 2001 के बाद ये पहले अमेरिकन बन गए हैं जिन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है. अच्छा, हराया किसे है? तो जिसे हराया है ना, डिफीट किया है, उनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल, जो कि एक स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं. तो एक बार यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको मेन सिंगल में किसने टाइटल जीता है. तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है, USA के हैं. और किसे डिफीट किया है? तो राफेल नडाल को किया है, जो कि स्पेन के हैं. वीमेन सिंगल का टाइटल देखेंगे तो ये दिख रही है पोलैंड की टेनिस प्लेयर है ईगा स्वेटिक, ठीक है, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है मारिया सकारी, जो कि ग्रीस की हैं, उन्हें हराकर. तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी. तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत के रक्षा सचिव कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो डिफेंस सेक्रेटरी है डॉक्टर अजय कुमार. तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया डॉक्टर अजय कुमार हैज कमीशन विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एट गोवा विथ द 5th इन सीरीज ऑफ 105 meter ऑफ शोर पेट्रोल वेसल. पेट्रोलिंग करने का काम करती है ना हमारे जो इकोनॉमिक जोन होते हैं, जो कि 12 नॉटिकल माइल से हमारा, और सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसमें पेट्रोलिंग गार्ड्स होते हैं, है ना. तो उन्हें उस ये काम कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप करती हैं. तो यहाँ पर 5th इन सीरीज ऑफ 105 meter ऑफ शोर पेट्रोल वेसल क्लास को गोवा में कमीशन किया गया है, उसका नाम पूछा है. तो आंसर हो जाएगा ICGS सक्षम. क्या नाम है इसका? सक्षम नाम है. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है. 105 meter ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, जो कि इसमें नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिफरेंट सेंसर और मशीनरी इन्वॉल्व है, ठीक है. द शिप विल बेस्ड इन अ कोची वन. It joined the Indian Coast Guard Fort. Ship will be used extensively for surveillance in an exclusive economic zone. ठीक है. अब यहाँ पे बोल रहा है कि फिफ्थ है ये सीरीज में, तो फिफ्थ नंबर पे सक्षम है, मतलब इसके पहले 4 और लॉन्च हुई थी, उन चारों के बारे में भी हम देख लेते हैं. तो पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है ऑफशोर पेट्रोल वेसल का प्रोजेक्ट, ये PM मोदी के द्वारा 2016 में शुरू कराया गया था, जिसके अंदर 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को तैयार किया जाना था फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें से पहला कौन सा था? पहले का नाम था सचेत, ठीक है, दूसरे का नाम था सुजीत, तीसरे का नाम था सार्थक, और चौथे का नाम था सजग, और पांचवा ये है सक्षम. सारे के सारे नाम एस से हैं. अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था? 18th of August 1978 में बना था. न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है. डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द को ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर GR विश्वनाथ टाइटल्ड रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी. तो यहाँ पे फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं GR विश्वनाथ, इन्होंने अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है रिस्ट अशॉर्ड. अब इसके को ऑथर कौन है? तो को ऑथर का नाम है R कौशिक. आप यहाँ देखेंगे ये R कौशिक का नाम यहाँ पर मेंशन है. ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, जिन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है. इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है 1969 से 1986 के बीच में. और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो कपिल देव और सुनील गावस्कर जी के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है. चलिए, ये है गोल्डन लंगूर, ठीक है. गोल्डन लंगूर इज एन इनडेंजर स्पीसीज नेटिव टू विच कंट्री. तो किस देश में ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, जो कि इनडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में आई है? रिसेंटली जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, गिरती जा रही है, और लगातार ह्यूमन और एनिमल का, लंगूर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झपट होती है ना, वो सब भी लगातार बढ़ते जा रहा है, ये रिपोर्ट आई है. तो बस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं. तो ये इंडिया और भूटान में पाए जाते हैं. कहाँ पर पाए जाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया और भूटान की बाउंड्री में, ठीक है. इनको हम ट्रेची पिथेकस घी के नाम से जानते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है, आप बोल सकते हैं, ठीक है. चलिए, अब थोड़ी सी बात इलेक्शन के बारे में कर लेते हैं. पुष्कर सिंह धामी आपको पता है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर
है, और वापस से सेकेंड टर्म के लिए भी ये ओथ लेने वाले हैं देहरादून का जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर 23 मार्च को। तो वापस से उत्तराखंड के सीएम कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। धामी जी ने बीजेपी के प्रेसिडेंट युवा मोर्चा में उत्तराखंड में दो बार प्रेसिडेंट रहे हैं, 2002 में और 2008 में, ठीक है। इसके अलावा धामी विल बी 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिल स्टेट, ये 13वें नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं? तो कुमन रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके पहले के जो सीएम थे वो गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में 70 सीट हैं विधानसभा की, जिनमें से 47 सीट पे बीजेपी ने जीत हासिल की है, और पुष्कर सिंह धामी 13th नंबर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है। चलो इसके अलावा ये दिख रहे हैं जो पिक्चर में, ये हैं प्रमोद सावंत जी वापस से इलेक्ट हुए हैं लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी, और दूसरी बार ये गोवा के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गोवा फिर से यहाँ पर जो है वो पावर में आई है। आपने देखा है 2012 से लगातार बीजेपी जो है वो गोवा में पावर में है। इसके पहले जो सीएम थे वो मनोहर पारिकर जी थे। तो मनोहर पारिकर जी के डेथ के बाद जो है वो प्रमोद सावंत जी 2019 में चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये उनका सेकेंड टर्म स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रमोद सावंत जी गोवा के वापस से सीएम बन रहे हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम नारा सिंगापिट्टी नागसवरम के बारे में, जिसे GI टैग हाल ही में दिया गया है। ये बेसिकली एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हवा के जरिए डिफरेंट टोन और म्यूजिक को बजाया जाता है। वुड से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है तमिलनाडु का, जो ये पर्सन रखे हुए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही जिसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि नारा सिंगापिट्टी नागसवरम जो कि हाल ही में GI टैग दिया है, ये किस स्टेट के लिए है? तो ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु से, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से वुड का स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए डिफरेंट म्यूजिक जनरेट किया जाता है। चलिए इसके अलावा कुछ रिसेंट में दिए गए GI टैग हैं, जैसे कि कजीनेमू एग्रीकल्चरल असम के लिए, फिर आप देखेंगे खोला चिली एग्रीकल्चर गोवा के लिए, इडू मिसमी टेक्सटाइल के लिए अरुणाचल प्रदेश, डिंडीगुल लॉक्स मैन्युफैक्चरर तमिलनाडु के लिए दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ भी GI टैग जो रिसेंट में दिए गए हैं उनका नाम है कनांगीशरी हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु, श्री विल्ली पुत्तर पालकोवा फूड स्टफ है तमिलनाडु का। तो ये कुछ रिसेंट में दिए गए GI टैग, इनको याद रखेंगे। अब दो मेजर इंसिडेंट हुए हैं हमारी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में दो मेजर इंसिडेंट हुए हैं। एक तो शिप जो है वो सिंक कर गई है, वो पानी में डूब गई, एक वो हुआ, और एक बोइंग जो फ्लाइट थी चाइना की वो क्रैश हो गई। तो जितने भी लोग थे इसमें वो सारे के सारे मारे गए, नो सर्वाइवल्स। तो यहाँ पे हम उसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बोइंग 737 प्लेन ऑफ चाइना ईस्टर्न एयरलाइन कैरिंग 133 पीपल क्रैश इन गुनयांगसी रीजन, नो सर्वाइवल। तो यहाँ पे बोइंग 737 जो है चाइना का क्राफ्ट वो क्रैश हो गया है। अब ये बोइंग बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम, रॉकेट्स बनाने, सैटेलाइट बनाने का काम, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है, जिसके CEO कौन है? देव चलोहन है। हेडक्वार्टर शिकागो USA में मिल जाएगा। विलियम ई बोइंग फाउंडर है, इसलिए इस कंपनी का नाम बोइंग रखा गया, और 15th जुलाई 1916 को बनी थी। 1916 जब वही लखनऊ समझौता हो रहा था तभी ये कंपनी भी बनी थी। तो जब बोइंग में ये क्रैश हुआ चाइना में जिसमें 133 लोग थे और जो सारे के सारे यहाँ पे मारे गए, तो उसके बाद भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ऑर्डर दिए हैं कि हम अपने सारे बोइंग जो क्राफ्ट्स हैं हमारे पास उनको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ है, UAE की एक शिप थी जो कि कार को लेके जा रही थी, एक कार्गो शिप थी, और कार्गो शिप जो है वो पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और इन दोनों को जोड़ने का काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है। तो UAE की एक कार्गो शिप थी जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ से होती हुई जा रही थी और ये सिंक हो गई है, डूब गई है, और इसका शिप का नाम याद रखेंगे अल सलमी 6। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा अल सलमी 6 जो कि एक कार्गो शिप थी पर्शियन गल्फ में डूब गई है, आपको बताना है कि वो किस कंट्री की थी। तो आंसर हो जाएगा UAE की थी, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं, एक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है चाइना से, ठीक है।
अब क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम बना ले, हालांकि हमारे पास है मिशन शक्ति भी, हमने कई बार वो ऑपरेशन किया है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्यों ना एक ऐसा सिस्टम या सैटेलाइट हो जो ऑलरेडी वर्किंग सैटेलाइट को जैम कर दे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो बिल्कुल चाइना ने ऐसा ही एक माइक्रोवेव मशीन बनाई है जो कि वर्किंग सैटेलाइट को जैम या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चाइना हैज़ डेवलप अ माइक्रोवेव मशीन रिलेटिवलिस्टिक क्रिस्टलॉन एम्पलीफायर RKA दैट कुड जैम और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ डेवलप RKA विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। तो आंसर हो जाएगा चाइना, चाइना के द्वारा से तैयार किया गया है। तो बेसिकली एक ये जो डिवाइस है ये बहुत हाई एनर्जी के वेव्स को जनरेट करता है, मेजरिंग 5 MW इन के बैंड, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है इतनी हाई एनर्जी का, ये जो वर्किंग सैटेलाइट है ना उसके इक्विपमेंट को ख़राब कर देता है या जैम कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और जापान का एनुअल समिट हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये इंडिया और जापान का 14th नंबर का समिट था, कौन से नंबर का, 14वें नंबर का। तो वेयर वॉज द इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड, तो कहाँ पर हुआ ये समिट, न्यू दिल्ली में हुआ, किस नंबर का था, 14वें नंबर का था। अब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है किशिदा जी, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार भारत पर विजिट पर आए हैं, जो पहली बार मीटिंग इन्होंने की और कहा कि जापान जो है वो 5 trillion yen मतलब 3.2 lakh crore रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा आने वाले 5 सालों के लिए, ऐसी बात इस विजिट में कही गई। साथ ही साथ यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पे भी डिस्कशन किया गया और यहाँ पे क्या बात की गई, एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन द नेशन इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, इन सब मुद्दों पे बात की और साथ ही साथ कहा कि वन टीम वन प्रोजेक्ट की तरह हम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन के बारे में, ये कुछ न्यूज़ थी। अब देखिए एक ही दिन में बहुत सारी न्यूज़ नहीं हो पाती हैं कई बार, तो अगले दिन मैं उसे कवर करा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी न्यूज़ आपकी बाहर रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम न्यूज़ आपको उस लिमिटेड समय में करवा सकूं। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में, तो काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा एन वीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, हमें पता है 22 मार्च को हमने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो कि एक मिलिट्री ड्रिल है, ऑपरेशन है, नॉर्वे में कंडक्ट हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो नेटो नेशन मिलके कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, कहां पर, नॉर्वे में, नेटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमिथिए 2022 इज विच एडिशन ऑफ द बाइनिलियर ट्रेनिंग इवेंट जो कि सेशल्स और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो 21 नंबर का एडिशन है, तो ये 9th नंबर का एडिशन है, 2001 से ही एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, लक्ष्य सेन लॉस्ट टू विच प्लेयर टू सेटल फॉर द सिल्वर इन मेन सिंगल फाइनल ऑफ 2022 यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो यहाँ पे जो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन वो रनर अप रहे हैं, मतलब इनको सिल्वर मिला है, तो टॉप कौन रहा या फिर कौन इस टाइटल को जीता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विक्टर एक्सेलसन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो किस IIT ने NMDC के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है, तो आंसर हो जाएगा खड़गपुर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 19th Asian 100 अब बिलियार्ड चैंपियनशिप 2022 इन दोहा कतर, तो किसने ये टाइटल जीता है, तो मैंने आपको सिखाया था पंकज आडवाणी जी के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे जो 2022 की पहली फार्मूला वन रेसिंग हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हु हैज़ वॉन द फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 एट द बहरीन इंटरनेशनल सर्किट, तो उसका नाम क्या हो, उनका नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम है यहाँ पे चार्लेस लेक्लेर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन 3rd नंबर पे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल
अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी को, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कल मैंने बहुत सारे अवार्ड आपको डिस्कस किए थे। एक्वामैप के बारे में बात हो रही है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्वामैप लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर IIT मद्रास, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पर लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर थीम स्टेट हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ TCS, कौन बन गए हैं, तो राजेश गोपीनाथन बन गए हैं, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जय शाह हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस कोलंबो में मिलेगा, श्रीलंका में। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट द मालदीप स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, तो किसे दिया गया है ये, सुरेश रैना जी को, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे कि 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, जापान, नेपाल, साउथ कोरिया या इंडिया। आप जो भी आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, और PDF लेने के लिए आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर।